नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे तमाम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमेशा से सवाल उठते हुए नजर आए। वही एक एनकाउंटर का मामला सुल्तानपुर में दिखाई दिया, फिर वही से सटे क्षेत्र में देखा जाए तो अमेठी में भी 4 लोगों को जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। मायावती, राहुल गांधी, पूरी सियासत कहीं ना कहीं उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर से फिर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कावड़ के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आए, फिर सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर जिसमें अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, अब अमेठी कांड एक बार फिर से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के गले की पास बन गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वहीं से सटे क्षेत्र मिल्कीपुर, कटहरी, करहल और बिजनौर, मीरापुर सीट, ऐसी तमाम सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन सीटों पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज्य और प्रशासन में इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियां इसको पूरी तरीके से मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। क्या इस मुद्दे पर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को हार का सामना करना पड़ेगा या फिर ये बात भी संभलते हुए नजर आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है, उससे ये कहा जा रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो झुकाव है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये बयान गठबंधन से जोड़कर देखा जा सकता है? पहले आप उनकी वीडियो देखिएगा जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, और फिर आप बताइएगा कि क्या ये गठबंधन की तरफ एक कदम है या फिर समाज के लोगों के लिए या उनके हित में उठाया गया एक आवाज है। आप ये वीडियो देखिए। यहाँ के विधायक जी लड़के के पिता को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलाने लेके चले गए, यानी मानवता मर चुकी है। अगर मुख्यमंत्री से मिलाना ही था तो दाह संस्कार के बाद भी मिला सकते थे, कल भी मिला सकते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना का संज्ञान भी है, क्योंकि सबसे पहला ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की थी, दुख व्यक्त किया था। तो स्वाभाविक रूप से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर सदस्यता थी तो उसी समय उनको घोषणा करनी चाहिए थी कि शिक्षक सुनील के स्थान पर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, और साथ ही साथ परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है इसलिए परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसा न करके मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदनहीनता दर्शाई है, और उनसे बड़ा संवेदनहीनता यहाँ के विधायक ने दिखाई है। यहाँ 4 लाशों का दान संस्कार हो रहा है और लड़के के पिता को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलाने की जल्दबाजी में वो लेकर के यहाँ से रबू चक्कर हो गए। हम समझते हैं शायद उनकी इतनी भी मानवता नहीं थी, मानवीय सोच नहीं थी कि कम से कम दाह संस्कार हो रहा है तो उसके पिताजी इस दाह संस्कार में सम्मिलित हो सके, उनको दाह संस्कार से भी वंचित करने का काम किया। हम समझते हैं ये घटिया सोच को दर्शाता है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले की गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। दोषी पुलिस कर्मियों के साथ साथ आरोपी के साथ में और जीवी जिन अपराधियों की मिली भगत है उनको बेनकाब करके सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से ये पूरा मामला आप कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ पहले सुल्तानपुर मुद्दे पर घिरे, अब जाकर कहीं ना कहीं अमेठी को लेकर विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर हमलावर हैं, और जिस तरीके से ये चुनावी समीकरण बन रहे हैं ऐसे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार के उपचुनाव में भी बड़े झटका लगने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी खतरा बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे को लेकर, सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर और अमेठी के मुद्दे को लेकर क्या कुछ लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।